एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था जो जंगल का राजा था। एक दिन दोपहर के समय शिकार को खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे चैन की नींद सो रहा था। तभी उस पेड़ के नीचे एक बिल में रहने वाला चूहा बाहर आया। जैसे ही चूहे ने शेर को सोता हुआ देखा तो उसे मस्ती सूझी। वो शेर के ऊपर चढ़कर कूदने लगा, जिसमें चूहे को बहुत मजा आ रहा था। चूहे की इस हरकत से शेर जग गया और गुस्से में जोर से दहाड़कर उठ गया। शेर के उठते ही चूहा दौड़कर अपने बिल में जाकर छुप गया। शेर ने इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखा, तो शेर वापस गहरी नींद सो गया। शेर के सो जाने पर चूहा फिर से अपने बिल से निकला और शेर पर जाकर कूदने लगा। उसकी पूंछ पर एक सिरे पर चढ़ता और दूसरे सिरे से नीचे उतर जाता, तो कभी धीरे धीरे जाता और शेर के बाल खींचकर अपने बिल में घुस जाता। बार बार शेर की नींद खराब होती, वो उठकर इधर उधर देखता लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता, और चूहा मजे से बिल में छुपकर शेर को परेशान होता हुआ देख रहा था। इस बार जैसे ही शेर सोया तो चूहे ने उसकी पूंछ के बाल खींचने का निश्चय किया, और जैसे ही उसकी पूंछ के पास पहुंचा, शेर ने झट से चूहे को उसके पंजों में पकड़ लिया। अब चूहा समझ गया कि उसकी वजह से शेर की नींद खराब हुई है और वो बहुत गुस्से में है। इसलिए चूहे ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए शेर से भीख मांगनी शुरू कर दी और कहने लगा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो एक नन्हा सा चूहा हूँ, मैंने गलती से आपके साथ शरारत कर दी, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जब भी आपको जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद के लिए जरूर आऊंगा। चूहे की ये बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, तुम एक छोटे से चूहे मेरी मदद करोगे? मैंने अभी अभी शिकार खाया है जिससे मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें अभी खा जाता। ये कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा भी शेर को धन्यवाद कहकर वहाँ से दौड़ा हुआ चला गया। कुछ दिनों बाद जंगल में शेर का शिकार करने के लिए कुछ शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। शेर इधर उधर घूम रहा था, घूमता हुआ वो शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस गया। शिकारी शेर को जाल में फंसा देखकर गांव से पिंजरा लेने के लिए चले गए। शेर जाल में फंसा हुआ बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ उस चूहे ने और जंगल के दूसरे जानवरों ने भी सुनी। चूहे ने जंगल के दूसरे जानवरों से शेर की मदद करने के लिए कहा। जब वो शेर के पास पहुँचे, शेर को जाल में फंसा हुआ देखकर चूहे को एक आइडिया आया। चूहे ने उस जाल के ऊपर चढ़कर अपने तेज दांतों से जाल को जल्दी जल्दी काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने जाल को काट दिया, जिससे शेर जाल से मुक्त हो गया। इसके बाद शेर ने चूहे को धन्यवाद किया। इस पर चूहे ने शेर से कहा कि मैंने आपको उस दिन कहा था कि जब भी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपने मेरी बात को मजाक में लिया था। शेर को चूहे की ये बात याद आई और वो अपने कहे पर शर्मिंदा हुआ। इसके बाद शेर ने चूहे से कहा कि आज से तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें जब भी किसी भी सहायता की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। इसके बाद चूहा वहाँ से जाने लगा, तो शेर बोला, क्या तुम आज मेरी पीठ पर नहीं कूदना चाहोगे? चूहे ने जब शेर की ये बात सुनी तो वो खुशी से शेर की पीठ पर चढ़कर कूदने लगा। चूहा शेर की पीठ पर कूद ही रहा था कि शिकारी पिंजरा लेकर शेर को लेने के लिए जंगल में पहुंच गए। जब वो शेर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जाल तो सारा कटा पड़ा है और शेर बाहर खड़ा है। ये देखकर वो बहुत डर गए। इसके बाद शेर ने जोर से दहाड़ कर शिकारियों को वहां से भगा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। कुछ नहीं पता किस वक्त में कौन हमारे काम आ जाए। याहू,